हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा सरकारी जॉब से ही संबंधित वीडियो लेकर आता हूं, और आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं जो 65वीं बीपीएससी की परीक्षा समाप्त होते ही एक फिर से न्यू भर्ती आ गई है 66वीं बीपीएससी के लिए, जो 2019 से लेकर 20 में फाइनल हो जाएगी इसकी वैकेंसी। और इसमें जो टोटल पद है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 1730 पद है। तो चलिए मैं जान लेते हैं पूरा डिटेल से, और आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बताया जा रहा है कि बीपीएससी और कमेटी के जरिए अभ्यर्थी का होगा चयन। 1730 पदों पर पंचायती राज विभाग में नियुक्तियां होगी। पंचायती राज विभाग में 1730 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 1208 पदों पर नियमित और शेष पर संविदा आधारित नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 65वीं के लिए यहाँ बताया जा रहा है, जो अभी अलग अलग स्तर पर है। नियमित पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से, जबकि संविदा वाले पदों पर योग्य अभ्यर्थी का चयन विभाग स्वयं कमेटी बनाकर करेगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 477 पद, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के 477 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें 188 ऐसे पद हैं जिनके सृजन पर मुहर पिछले सप्ताह की कैबिनेट की बैठक में लगी। अन्य 289 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पहले से रिक्त थे, जिनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव बीपीएससी को विभाग भेज चुका है। नए पदों का प्रस्ताव भी विभाग जल्द ही आयोग के भेजेगा। 239 प्रखंड पंचायत पदाधिकारी अभी कार्यरत हैं। नए नियुक्ति होने के बाद बड़े प्रखंडों में दो पदाधिकारियों का पद स्थापन होगा। 25 पंचायतों पर होगी एक ऑडिटर। इसी तरह 589 ऑडिटरों की नियुक्ति पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। नियुक्ति का प्रस्ताव भी बीपीएससी को भेजा जा रहा है। 65 ग्राम पंचायतों पर एक ऑडिटर रखे जाएंगे। इसके अलावा जिला राज्य स्तर के भी ऑडिटरों के पद होंगे। इनके अलावा जिला परिषद और प्रशिक्षण संस्थानों में 103 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य में कुल 8386 ग्राम पंचायत है। तो दोस्तों, यही एक अच्छी न्यूज है 66वीं बीपीएससी भर्ती के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो पद है 1730 पद है, और 1730 पदों पर होगी भर्ती। तो चलिए दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके विश्वास पर ही वीडियो लेकर आता हूँ। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।